वो ध्यान कहीं और ध्यान हो जाता है। तीनों बुक्स गाइस बेस्ट सेलिंगे। यस, बिकॉज ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करते हैं। एवरीवन, वेलकम टू प्रियांशु बिंदा व्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टेइंग हैप्पी एंड ब्लेस्ड। तो इसी होप के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। व्लॉग कम और वीडियो ज्यादा है, बिकॉज इसमें मैंने कुछ अपनी स्लो एंड स्लगिश मॉर्निंग रूटीन शेयर की है। लेट्स स्टार्ट आवर मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर ले रही हूँ। देन उसके बाद आप फ्रेशन अप हो सकते हैं इफ यू वांट सम स्किन केयर रूटीन। अगर आप वो भी चाहते हैं अपनी संडे स्लगिश स्लो मॉर्निंग रूटीन में, देन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप बाद में शावर लें। तो गाइज, यहाँ पर कोरिएंडर वाटर है जिसे मैंने रात को सोक कर दिया था कोरिएंडर को। अब मैं इसे बॉइल करूंगी। इट्स एक्सट्रीमली गुड फॉर इजी डाइजेशन। कोरिएंडर वाटर बेसिकली डाइजेशन एंड वेट लॉस के लिए होता है। इसके अलावा ये एक्ने एंड पिगमेंटेशन के लिए भी होता है। मेरा रीजन कुछ और है इसे लेने का। इट्स नॉट द वेट लॉस, इट्स नॉट फॉर इजी डाइजेशन एंड ऑल, नॉट फॉर एक्ने एंड पिगमेंटेशन, बट फॉर द इम्यूनिटी। यस, बिकॉज ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। दिस इज नॉट माई एवरी मॉर्निंग रूटीन। ये सिर्फ संडे एंड स्लगिश मॉर्निंग रूटीन होती है मेरी, कभी कभी, समटाइम्स, नॉट एवरी संडे। एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हेन आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ काम, टायर्ड या कभी कभी दुखी, बस तब मैं ये स्लो स्लगिश मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती हूँ। अदरवाइज नो रूटीन। वाओ, लुक एट द कलर। टेस्ट में भी बुरा नहीं है, यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। तो गाइस, इसके बाद आई एम हैविंग दिस सोक्ड आलमंड्स विद रेजिन। एक बार से मैंने कर दिया, खा लिया। एंड गाइस, आलमंड्स आर रियली गुड फॉर योर ब्रेन फंक्शनैलिटी एज वेल एज योर हेल्दी स्किन। गाइस, आलमंड्स आर रियली गुड बिकॉज ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी घटाएगा। रेजिन भी अच्छे होते हैं बिकॉज एक वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिंस को फ्लश आउट करेंगे, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छे होते हैं, डायबिटीज के लिए भी अच्छे होते हैं, एंड बोन हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं रेजिन, किशमिश। एंड कुछ लोग वो किशमिश वाला पानी भी पीते हैं बिना बॉयल किए, खाने पीने के बाद जो थोड़ा सा टाइम आप दोगे ब्रेकफास्ट के लिए, उसमें आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें लेजर फोकस चाहिए आपको। अगर अगर प्रैक्टिस करना पड़ेगा बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। मैंने बहुत बार प्रैक्टिस भी की है कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहूं। उसके लिए आप क्लोज योर आईज एंड जस्ट फोकस कि मैं प्रेजेंट में, मतलब आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको आपने बाउंस बैक कर देना, थॉट्स को अपने दिमाग में नहीं लाना। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ट्रैक्टर, श्योर, सॉरी, प्लीज इग्नोर। आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड उसको बोलते हैं हम ध्यान लगाना। मेडिटेशन इज बेसिकली ध्यान लगाना, बट हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं कि वो ध्यान कहीं पर लगता ही नहीं है ना, वो ध्यान कहीं और ध्यान हो जाता है। बट हमारे यहाँ इंडिया में मोस्टली लोग पाठ पूजा करते हैं, बस हो गया। बट वो जो थॉट्स को भगाने वाला प्रैक्टिस है ना, वो नहीं होता। एंड गाइस, उसके बाद आप सॉफ्ट एंड कामिंग म्यूजिक भी ट्राई कर सकते हो। एंड जर्नलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉन्ट। आप अपनी स्लगिश मॉर्निंग रूटीन में जर्नल भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे अभी मेरे पास है। आप इसको खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं गाइस। चीज़ और होती है, पता क्या, वो है ग्रेटिट्यूड जर्नल, जिसमें आप डेली का अपना एक ग्रेटिट्यूड पॉइंट लिख सकते हो। तो गाइस, अब काफ़ी टाइम हो गया, लेट्स हैव सम फ्रूट। टी इंक्लूड नहीं की है, लेकिन आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं विद द टॉपिंग्स ऑफ एंड सिनेमन। सेल्फ हेल्प बुक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपनी स्लगिश मॉर्निंग रूटीन में बुक रीडिंग को भी इंक्लूड करते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। बुक से याद आया, मेरे पास कुछ अभी पैकेजेस भी पड़े हैं जो मैंने अभी रिसीव किए थे, तो हम पहले उनको भी अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन सी बुक्स आई हैं। लेट्स गो।
ये बुक्स मंगवाई हैं ऑनलाइन। एंड एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स मंगवाई हैं। द फर्स्ट वन इज द मिरेकल मॉर्निंग, और ये तीनों बुक्स गाइस बेस्ट सेलिंग है, तो यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। एंड द सेकेंड बुक इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड द थर्ड बुक इज, ये भी बेस्ट सेलिंग ऑथर की है, द 5 AM क्लब। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।